फ्यूचर स्टॉक्स के थर्ड सीरीज तो खत्म हो गया। ये फोर्थ सीरीज में आप 15 स्टॉक्स कवर करेंगे। सी कोलपाल कोलगेट से शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट डॉन ब्लॉक में। अगर कोलपाल का फ्यूचर स्टॉक देखा जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट पूरा कंटिन्यूअसली रैली दे रहा था और आपका यहाँ से लगभग अगस्त 21 अगस्त से मार्केट डाउन गया है, 21, 22, उसके बाद से मार्केट पहुंच गया वापस वहां, लेकिन कोलपाल वहां तक नहीं पहुंचा। एफएमसीजी मार्केट के डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा चलता है, तो जनरली मैं अगर ट्रेंड इसको एनालिसिस करूं तो मुझे यहां पे क्लियरली पता चल रहा है वीकली चार्ट ऐसा कुछ है। तो ये कंटिन्यूअसली रैली में है, बहुत तेजी देख रहे हैं। 2010 से अभी तक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, कभी कभी बीच में नीचे आया है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना अच्छा रहता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत बारीकियां देखनी पड़ती है। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने देख लिया है। डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट में ये रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल के लिए इस रेजिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है और प्राइस इस दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये अप ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे और एक डाउन ट्रेंड में डालना चाहूँगा, ये हो गया आपका सिमेट्रिक ट्राइंगल बन रहा है। तो प्राइस यहाँ क्लियरली बता रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो नया हाई एक बनाएगा। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं, जब भी मार्केट ब्रेक करे, कोलपाल ब्रेक करता है इस कैंडल के ऊपर, मतलब ये हाई मैं बता दे रहा हूँ आपको 1691, तो वहाँ पर आपका ब्रेकआउट है, आप बाय कर सकते हो। अभी प्राइस बहुत ही तेजी से गया था, यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, नेक्स्ट फिर से यहाँ से तेजी दे सकता है। उसी तरह मार्केट अगर तोड़ता है यहाँ से 1560, तो फिर से नीचे इस सपोर्ट तक आ सकता है। 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करेंगे, अगर 2-3 दिन के अंदर कुछ ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अगर यहाँ पर नोटिस किया जाए तो ये डाउन ट्रेंड है और ये सपोर्ट जोन में प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर, या हो सकता है कल या परसों, आपको एक ट्रेड बहुत अच्छा मिल सके। तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये बायलेटरल पैटर्न है, यहाँ पर होल्ड पोजीशन कहा जाता है। मार्केट अगर यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को तोड़ता है, लगभग 1650 अगर तोड़ता है, तो आप 1680 का टारगेट, 30 रुपये के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हो, ऑप्शन में भी एंट्री कर सकते हो। उसी तरह लो के साइड में अगर 1636 तोड़ता है तो आप एक्सपेक्टेशन अराउंड 1590 का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, 60 रुपये नीचे और ऊपर के साइड में 30 रुपये। कल या परसों के अंदर ही आपको ये मूवमेंट दे देगा, तो इसके ऊपर फोकस बनाए रखें। कोलपाल खत्म हो गया, उसके बाद एनएससी वेबसाइट में देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है। कॉनकर, कॉनकर बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ट्रेड हमने किया हुआ है इसमें। एक सेकंड, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इजी रहता है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है ये सीरीज जो है हमने बनाया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इतना सारा एनालिसिस एक साथ में कोई तो नहीं करता है, हम टाइम निकाल के कर रहे हैं। बहुत इसमें सेटअप में, टाइम में और बहुत एनालिसिस भी लग रहा है, आप देख रहे हो राइट। तो प्लीज़ काइंडली हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। राइजिंग वेज बन रहा है कॉनकॉर में, ये बियरिश पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया हुआ है, हो सकता है अपर साइड में और भी तेजी देखने के लिए मिले। वीकली कैंडल चार्ट में मैं बता दूँ 60 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, ये बुलिश पैटर्न है, हो सकता है यहाँ से बहुत तेजी आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन पैटर्न वाइज एक बियरिश पैटर्न है। और फिलहाल यहाँ पे डब्ल्यू आप देख पा रहे हो, डेली कैंडल चार्ट में हम जाएंगे। डेली कैंडल चार्ट में क्या मिल रहा है हमको, क्लियर सा डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ आप क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न देख रहे हो, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, नो इशू। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसमें अगर देखें तो ये उसका नेक लाइन है, इस नेक लाइन को सपोर्ट करते हुए उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बुलिस बहुत ही जोरों से बुलिस पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ है डेली कैंडल चार्ट में, और ये ट्रेंड बहुत गहरा चला है। तो ये अभी के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, लगभग इस दायरे में 700-800 के दायरे में ही रह जाएगा, जितना मेरा आशा है। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कॉल पुट में कुछ पैसा बना सकते हैं क्या। देखिए प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है,
और यहाँ पे RSI 60 में सपोर्ट ले रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से तेजी से गिरेगा। ये एक डिसेंडिंग असेंडिंग ट्राइंगल है। प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में अगर पता नहीं है, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको क्लियरली बताएंगे कि कैसे प्राइस एक्शन को, आप प्राइस एक्शन जान लिए तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये टारगेट तोड़ता है, ये हाई जो बनाया था 770 का, उसको अगर तोड़ता है तो 820 के लिए आप बाई कर सकते हो। यहाँ से आपको 70 30 30 और 20 ₹50 का टारगेट मिल सकता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर ये लो तोड़ता है तो 740 का अगर लो तोड़ता है तो आप 200 मूविंग एवरेज या फिर नीचे के साइड में 690 का स्टॉप सेल के साइड में भी ट्रेड ले सकते हो। डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल बायलेटरल पैटर्न्स होते हैं, इसका जब तक पैटर्न नहीं तोड़ता तब तक कुछ नहीं बता सकते। तो अपर साइड में तोड़ने का चांसेस लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन बता नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ 740 अगर तोड़ता है तो डाउन साइड में आप टारगेट रख सकते हो 690। तो ये हो गया कितना, ₹50 का नीचे के साइड में टारगेट। तो दोनों साइड में ओपन है पोजीशन, अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला है तो तब तक हम बता नहीं सकते मार्केट किस तरफ इसको लेके जाएगा। कोरोमंडल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये केमिकल शेयर्स हैं। केमिकल शेयर्स बहुत अच्छी तरह से भाग रहे हैं। ओके, मैं फ्यूचर इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी के पास कैपिटल कम है, कॉल पुट में भी कुछ पैसा बना सकता है, लो कैपिटल में अच्छा पैसा बन सकता है। फ्यूचर में इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, 2020 से ही डेटा है। जनरली देखा जाए तो 2021 से ये कंटिन्यूसली ऑफ ट्रेंड में है। मैं इसको एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ आपको, ये राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है वीकली चार्ट के अनुसार। तो वीकली ये एक राइजिंग चैनल हो गया। अभी इसको डेली कैंडल चार्ट में आ जाएंगे। डेली कैंडल चार्ट में क्या मिल रहा है हमको, सिंपली ये एक हाई बनाया था, डबल टॉप बनाया और रिटर्न आ रहा है। मैं थोड़ा बेयरिश लग रहा है इसको, मुझे सपोर्ट, इसका मेजर सपोर्ट जो है ये है 978 अगर तोड़ देगा तो कंटिन्यूसली नीचे के साइड में गिर सकता है। कंटिन्यूसली रैली मिला है फरवरी से लेके डेढ़ साल हो गया। ज़्यादातर बुल रन डेढ़ साल दो साल तक ही टिकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं टिकते। बहुत कम बुल रन ऐसे हैं कि 3-4 साल टिके हो। तो केमिकल में जितना भी अच्छा पोजीशन क्यों ना हो, डबल टॉप बन रहा है और RSI भी उतना सपोर्ट नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा बियरिश लग रहा है मुझे। 15 मिनट चार्ट देखेंगे, 15 मिनट चार्ट के हिसाब से क्या चल रहा है। यहाँ पे सिंपल सा सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी पोजीशन होल्ड बता रहा है। देखिए मार्केट भी कल क्या बनेगा, मेरा अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए, मार्केट कल के लिए प्रेडिक्शन भी डाला हुआ हूँ। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल। नीचे के साइड में अगर 15 मिनट चार्ट के अनुसार अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 1040 अगर तोड़ देता है तो आप 1000 रुपीज़, ₹40 के टारगेट के लिए सेल के लिए पुट बाई कर सकते हो। उसी तरह 1070 अगर तोड़ देता है तो आप लगभग नया टारगेट जो आपका है 1110 के लिए आप बाई कर सकते हो। सिंपल सा ट्रेड है, लेकिन आप भी नहीं बता सकते किस तरफ से ये मूवमेंट करेगा क्योंकि एक पैटर्न में अंदर है। पैटर्न जैसे जिस तरफ तोड़ेगा उस साइड में आप बाई कर सकते हो। तो मैंने बताया 1070 तोड़ता है तो 1110 मतलब आपका 40 रुपीज़ ऊपर और 40 रुपीज़ नीचे के लिए आपका ये ट्रेड मिल सकता है, उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्रॉम्पटन्स। मुझे पता है बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लोग काम नहीं करते, लेकिन मैं बता दूं इंडेक्स से ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके पैसे देते हैं स्टॉक्स के, क्योंकि स्टॉक्स में 10-20% का मूवमेंट देता है, लेकिन आपका इंडेक्स में उतना मूवमेंट नहीं होता। इंडेक्स में ज़्यादा ट्रेड करने का कारण इसलिए है कि उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है और बहुत कम पैसे में आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है। लेकिन आप अगर सही तरीके से ट्रेड पता है आपको तो ये भी एक अच्छी जगह है। देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, यहाँ से वापस आने की चांसेस है। फॉलिंग वेज बन रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। मुझे लग रहा है ये प्राइस वापस से आएगा कहाँ तक, लेवल 354 तक आ सकता है क्रॉम्पटन। ठीक है, डेली कैंडल चार्ट देखेंगे। डेली कैंडल चार्ट में हमको क्या मिला, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ट्राइंगल मिलेगा, इस डिसेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद प्राइस आके रिट्रेस होके फिर से ऊपर गया है। तो जैसे ही प्राइस 430 को तोड़ता है एक नया हाई बनाएगा, लगभग आप 453
₹20 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो इसको। अगर 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में राइजिंग वेज बन रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम बाय सेल सिग्नल तभी देंगे कल के लिए, लेकिन बेरिश पैटर्न है ये, ऑलरेडी डबल टॉप बना चुका है। जब तक ये हाई नहीं तोड़ता तब तक एंट्री बाय साइड में करने के लिए तो हम मना करेंगे। डाउन साइड में सेल साइड में ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉल अगर बेचना चाहें तो इंट्राडे के लिए कॉल बेच सकते हैं, क्योंकि पैटर्न तोड़ने के लिए बहुत वक्त है। इसमें आपको टाइम डिके का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। इसके बाद आ गया सीयूबी। सीयूबी में ऑलरेडी मैं स्टॉक्स ले चुका हूँ, मेरे पास होल्डिंग है, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। पीएसयू बहुत दिनों से डाउन थे तो मैं पीएसयू में बायर हूँ। यहाँ पे पैटर्न नहीं है, आपको अगर सीयूबी का मैं दिखाऊँ चार्ट, सीयूबी कैश का, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुका हूँ। ये फॉलिंग वेज जब तो राइज फॉलिंग वेज जब तोड़ा था यहाँ पर मैंने एंट्री किया था, दो टारगेट हो चुके हैं फिर भी मैंने स्टॉक नहीं बेचा है। अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करें, फ्यूचर में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सिंपली ये लाइफ टाइम हाई में है और ये हाई तोड़े देगा, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, नीचे आके 60 में सपोर्ट लेके फिर से तोड़ने के लिए रेडी है। तो सिंपली मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा यहाँ पे और आपको रेजिस्टेंस बताऊँगा, ये रेजिस्टेंस ही है, इसको अगर तोड़ता है शेयर रॉकेट हो जाएगा। डेली कैंडल चार्ट को देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट में क्या मिल रहा है हमको, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मिल गया हमको सपोर्ट। प्राइस अगर 172 तोड़ता है तो नीचे के साइड में भी मार्केट नीचे आ सकता है। देखिए सिंपली मार्केट ऊपर चला जाएगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से नीचे अगर गिरता है तो एग्जिट करने का वक्त आ गया समझिए। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, उसी पैटर्न के अंदर है प्राइस, उसी पैटर्न के अंदर है प्राइस। यहाँ पर एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, मैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। ये आ गया सपोर्ट लाइन, जैसे ही ये सपोर्ट लाइन तोड़ेगा मतलब 180 अगर तोड़ता है तो नीचे के साइड में इसका पोजीशन खुल जाएगा 170 तक, ठीक है। इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, आप 175 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। अगर 180 तोड़ता है तो ₹5 आपको डाउन ट्रेंड में मिलेंगे। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ऊपर के साइड में 190 का टारगेट है, उसको तोड़ेगा तो और ऊपर जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप इतना बड़ा पोजीशन ना बनाएं, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। 170 के पास, 175 के पास आएगा, सपोर्ट लेगा, उसके बाद नया हाई बनाएगा। अगर नहीं बना पाता इसको तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। फिलहाल के लिए प्राइस अगर कल पॉजिटिव में निकलता है तो बाई साइड में जा सकते हैं, लेकिन इसको सेल साइड में काम करने के लिए इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा काम मिलेगा आपको। अगर 180 तोड़ता है तो मैं सेल साइड के लिए रिकमेंड करूंगा, वेट कीजिए। अगर प्राइस डाउन जाता है तो सेल साइड में काम करिएगा, ठीक है। सीयूबी मिल गया, इसके बाद आ गया क्यूमिंस, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आप अगर इसका ऑप्शन फ्यूचर नहीं करते हैं तो स्टॉक का नज़रिया जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास स्टॉक्स हैं जिस वजह से इस वीडियोस का भरपूर फायदा उठाते हैं। क्यूमिंस बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही नोन स्टॉक है ये। देखा जाए तो कंटिन्यूअसली ये पैटर्न में सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर चढ़ रहा है। और ऊपर के साइड में अगर देखा जाए तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, इस चैनल के ऊपर चल रहा था, ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वापस आ गया है। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, प्राइस ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट को तोड़ेगा या नहीं कल पता चलेगा। अगर नीचे के साइड में आएगा प्राइस बहुत नीचे आ सकता है। क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा डाउन ट्रेंड खोल देगा इसका और ₹1000 तक आ सकता है। मतलब ₹200 का मैं नीचे के साइड में टारगेट दे रहा हूँ। सेल साइड में इसमें मज़ा आएगा काम करने के लिए, बाई साइड में अगर काम करना चाहते हैं तो ये हाई अगर तोड़ता है, 1090 अगर तोड़ता है उसके बाद आप बाई कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में भी छोटे छोटे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बता रहे हैं भाई, ये बहुत लग रहा है जोर से गिरने वाला है। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया इसका सपोर्ट लाइन और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है 1060 का तो 1090 और उसके ऊपर आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस तोड़ता है नीचे के साइड में 1000 एंड 1214, सर बहुत तेज़ी से गिरेगा,
1157, और उसके बाद जो डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से मैंने टारगेट दिया है 1000 रुपीज़ का, 1070 या 1050 का, वो टारगेट भी अचीव हो सकता है। तो ये ऐसे स्टॉक्स में रिवर्सल पैटर्न में काम करने के लिए मज़ा आता है। अगर आप पुट साइड में काम करना चाहते हैं तो ये एक पोजीशन है, अच्छा आपको पैसा दे सकता है। नीचे के साइड में ब्रेकआउट, अच्छा पैसा मिलेगा। वेट कीजिए, जो स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। देखिए अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ना तो काइंडली सपोर्ट करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका शेयर से आप हमको इतना सारा एफर्ट डालने के लिए मजबूर कर देता है। हमको बहुत खुशी होती है जब लोग लाइक करते हैं, हमारे एनालिसिस से कुछ पैसा कमाते हैं। ठीक है, डाबर में क्या है, ये एफएमसीजी है। एफएमसीजी मार्केट के डाउन ट्रेंड में बहुत ही अच्छा काम करता है। प्राइस ऑलरेडी रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस होकर ऊपर के साइड चला है, यहाँ पर एक जोन पे ट्रेड हो रहा है। मैं डेली कैंडल चार्ट में डायरेक्ट आ जाता हूँ आपके लिए। क्या हुआ है, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन तोड़कर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से वापस आने के लिए रेडी है। देखिए बाइक सिग्नल के लिए आरएसआई डेली कैंडल चार्ट में तो कुछ बता नहीं रहा, स्लो है। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो प्राइस आपको 542 देखने के लिए मिलेगा। ऊपर के साइड में उसी तरह प्राइस 604 को अगर तोड़ता है, 600 रुपये को तोड़ता है, तो नया हाई या फिर ये हाई को 5657 तक चला जा सकता है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि प्राइस में क्या मोमेंटम है, उसमें कुछ निकलता है क्या। सर क्लियरली है ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। ये हो गया आपका वो रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल 15 मिनट का ये है। नीचे के साइड में अगर प्राइस तोड़ेगा तो डायरेक्ट आके रुकेगा अराउंड 550 तक। 20 रुपये का नीचे के साइड में टारगेट है, पुट ऑप्शन में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। उसी तरह हाई अगर तोड़ता है 580 तो डायरेक्ट आके रुकेगा पहले 602, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस होगा और उसके बाद नया हाई बनाएगा। नया हाई कहाँ तक बना सकता है, नया हाई आपका अराउंड 618 तक बना सकता है। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। और RSI आप अगर देखोगे 40 तोड़ चुका है, तो सेल साइड में आपको ट्रेड मिल सकता है, 20 रुपये नीचे गिर सकता है। 500 रुपये का 20 रुपये कितना परसेंट होता है, 50 रुपये हो जाता है 10%, अराउंड 5% 4% आपको नीचे साइड में मिल सकता है पुट में। ये लो तोड़ेगा कल, अगर सेल साइड में आग बंद के आप ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगाना ना भूले, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये हो गया डाबर, उसके बाद आता है डालमिया भारत। बहुत ऐसे भी स्टॉक्स या फ्यूचर्स हैं जिसमें लोग ट्रेड नहीं करते, फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ, ये सीरीज़ हमारा है कवर करने के लिए। लेकिन आप अगर फ्यूचर में नहीं करते, स्टॉक्स में करते हैं, तो स्टॉक्स में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे एक W पैटर्न में ब्रेकआउट मिला है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये हो गया मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बता सकते हैं, W पैटर्न बता सकते हैं, जैसे कि ये हो गया डबल बॉटम या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ पर रैली मिलेगा सर, यहाँ पे एक रैली मिलेगा आपको डालमिया भारत में। ओके, इसमें डेली कैंडल चार्ट में जाऊंगा, आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। देखिए हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है। कॉल साइड में काम कर सकते हैं, अगर वेट करने की क्षमता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, देखो वॉल्यूम, वाओ माइंड ब्लोइंग। टारगेट क्या रख सकते हैं डेली के लिए, आप अगर खरीदते हो तो 2008 का आप टारगेट रख सकते हो। देखो 60 के ऊपर ही आरएसआई है, आरएसआई आपको बताता है कि ट्रेंड में कितना दम है। ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, ये स्टॉक्स हो सकता है तो कर लूँगा मैं इसको। 15 मिनट चार्ट में ये बता रहा है कि प्राइस ब्रेकआउट होके रिट्रेस होके फिर से वापस जाने के लिए रेडी है। सर आप इसको कॉप एंड हैंडल बोल सकते हो, माइंड ब्लोइंग है सर, बहुत ही अच्छा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं बाय साइड में इसको रेकमेंड करूंगा, जैसे ही 735 तोड़ता है एक नया हाई बनाएगा। कितना हाई बना सकता है सब बताऊंगा सर, सब बताऊंगा, पेशेंस रखिए, आराम से ट्रेड करेंगे, कुछ पैसा बनाएंगे। सर को, प्रसाद सर को पैसा नहीं चाहिए, प्रसाद सर को थैंक यू, सिर्फ कमेंट में थैंक यू लिख के भेज दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे और ऐसे वीडियोस लेके आएंगे। तो पहला टारगेट आपका है 1835, तो जैसे ही 1730 तोड़ता है तो 100 रुपये का रैली देगा सर।
कितना ऊपर तक जा सकता है? सर ये कॉपन हैंडल का जितना डीप है, ये डीप जितना है, कितना डीप है ये अराउंड 190 का डीप है, उतना ऊपर जा सकता है, लेकिन प्राइस डायरेक्ट 200 रुपये नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद फिर से बढ़ेगा। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से अगर मैं चार्ट लूँ टारगेट, मुझे वही 1800 का आप ले सकते हो पहला टारगेट, उसके बाद रिट्रेस होगा, उसके बाद नया हाई बनाएगा 1985 तक। ठीक है, मैं बहुत ही बुलिश हूँ इस पे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्लियरली बता रहा है प्राइस कितना तक जा सकता है, 400 रुपये यहाँ से भाग सकता है सर, 400 रुपये मतलब अभी 1600 1700 रुपये चल रहा है, 2100 रुपये तक सर जा सकता है, इतना लंबा टारगेट है, आराम से बाय करके बैठ जाओ स्टॉक में, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करना है, अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो स्टॉक्स में पैसा कमाओ, पैसा कमाना बड़ी बात है, किससे कमा रहे हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डालमिया भारत हो गया, दीपक नाइट्रेट को देखेंगे, और ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, इसके बाद 6 ही स्टॉक्स देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, लोग बोर हो जाते हैं लंबे वीडियोस देख देख के, कि क्या प्रसाद सर इतना बात करते हो, आप थक नहीं जाते क्या? सर थक जाऊंगा तो अच्छे स्टॉक ढूंढ पाऊंगा क्या? सिंपल सा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट मिला है, पोजीशन यहाँ पे, वाओ यार आपको हेल्प करते करते मुझे भी बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, फॉलिंग वेज रिट्रेस होके फिर से भागा है ये स्टॉक दीपक नाइट्रेट। ठीक है, 2190 का है, अभी अगर आपके पास ऑलरेडी है बाय करने का टाइम आ गया सर, बाय करने का टाइम आ गया, डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे, टारगेट देखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, 1910 का स्टॉप लॉस रखेंगे, पहला टारगेट कहाँ पे रखेंगे 2380 का अगर स्टॉक्स हैं आपके पास, और सेकंड टारगेट क्या रखेंगे 2706 अगर स्टॉक्स नहीं है आपके पास, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, इतना लंबा रैली के लिए आप वेट मत कीजिए, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ आपको कहाँ तक टारगेट और स्टॉप लॉस मिल सकता है। ठीक है, हर दर्द का इलाज है प्रसाद सर के पास, प्रसाद सर को सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहिए, एंकरेजमेंट। दीपक नाइट्रेट को बाई करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, कौन सा पोजीशन है 2130 में स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और ऊपर के साइड टारगेट कहाँ पे रखेंगे, आवरली कैंडल चार्ट देखिए मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्ट होके थोड़ा प्राइस है नीचे आएगा, मैं बता रहा हूँ 2130 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्राइस यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक रैली दे चुका है तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा रैली, रैली थोड़ा अप एंड डाउन होगा उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो आपका 2330 का आप ले सकते हो, 2330 का, मैं बाय साइड में ही रहूँगा क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिला है, केमिकल्स में बहुत ही अच्छा रफ्तार है, जैसे ही ये ट्रेंड के अंदर आ जाता है प्राइस उस वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो आप। दीपक नाइट्रेट हो गया, डेल्टा कॉर्प किसका शेयर, राकेश झुनझुनवाला जी का शेयर, वो हमारे साथ नहीं रहे लेकिन उनके शेयर्स उनके आइडियाज हमारे साथ रहे हैं। प्लीज सर आप लोगों को रिक्वेस्ट है, काइंडली काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। डेल्टा कॉर्पोरेशन 2210 रुपीज़ चल रहा है, वीकली कैंडल चार्ट में वैसे देखने के लिए कुछ नहीं है, डेली कैंडल चार्ट में डायरेक्ट आएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैं अगर ट्रेंड लगाऊं तो ये हो गया ट्रेंड, प्राइस 100 220 का क्रॉसओवर होने वाला है, यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना है, रेजिस्टेंस क्लियरली मुझे दिखने के लिए मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं लगा दूं तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया है, प्राइस जैसे ही 220 क्रॉस करता है सर इसमें बाइंग पोजीशन बन जाएगा, बाइंग पोजीशन बन जाएगा, अभी आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो 205 या फिर 200 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो डेली कैंडल चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे उसी तरह ही प्राइस कुछ मिलेगा हम लोगों को, क्या मिल रहा है डिसेंडिंग ट्राइंगल मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में मिल रहा है, यहाँ पर प्राइस अगर आपका 213 14 तोड़ता है तो आप 220 के लिए बाय कर सकते हो, 7 रुपये के टारगेट के लिए, उसके ऊपर के भी टारगेट्स आप ले सकते हो, जैसे कि 220 टारगेट है सर, उसके बाद रिट्रेस होगा उसके बाद ऊपर जाएगा, उसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर आप सेल करना चाहोगे तो जैसे 205 तोड़ेगा
तो डाउन ट्रेंड में आपको एक नया टारगेट 195 तक मिल सकता है। तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे बाई करने के लिए, और अगर सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में लगाएंगे कहाँ पे, 212 में, 205 में बेचेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा 195। दोनों साइड में ये ट्रेड खुल सकता है, मार्केट जिस तरफ आपको इशारा दे उस तरफ आपको जाना पड़ेगा। डेल्टा कॉर्प हो गया, डीबी स्लैब्स आएंगे। डीबी स्लैब में बहुत जोरों से तेजी देखने के लिए मिला था, मैंने एक कॉल भी दिया था डीबी स्लैब में, बहुत अच्छा पैसा कमाया लोगों ने, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं मेरे को, थैंक यू वगैरह व्हाट्सएप में शेयर करते हैं लेकिन कमेंट ऑनलाइन में कोई नहीं करता, अफसोस। आप लोग अगर पैसा कमाते हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बाद बताओ कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बना है, राइट, इसको फॉलिंग वेज बनाए देंगे वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट में क्या बन रहा है, डेली के चार्ट में भी प्राइस डाउन ट्रेंड में था, राइजिंग वेज बना, फिर से डाउन ट्रेंड और एक पैनल पैटर्न बना रहा है डेली कैंडल चार्ट में। तो यहाँ पर मैं सेल ही रिकमेंड करूँगा, जैसे प्राइस नीचे के साइड में आएगा यहाँ से मुझे तो पॉजिटिव। आप अगर देखिए, मैं 15 मिनट में ऑलरेडी इसमें ट्रेड डाला हूँ, ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना था और ये ब्रेकआउट में मैंने बाय दिया था, और जो टारगेट्स थे उसमें से एक अचीव हुआ है, लेकिन अगर डेली आवरली चार्ट देखेंगे तो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए बाय ट्रेड साइड में आपको कॉल देने के लिए मुझे घबराहट हो रही है। अगर बाय कर रहे हैं यहाँ पर भी तो 3450 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ओके, टारगेट कहाँ पे है, टारगेट ये हाई पे है, कितना, 39,775 का, ठीक। ऑफ ट्रेंड में भी जा सकता है, अगर ये हाई तोड़ देगा तो डायरेक्ट टारगेट आपका 4,536 हो सकता है। फिलहाल के लिए कुछ बोल नहीं सकते, 15 मिनट के चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में ऑफ ट्रेंड में है लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को क्लिक हो चुका है, वापस से प्राइस थोड़ा नीचे आएगा उसके बाद वो वापस जाएगा, तो यहाँ पे हम इस शेयर को हाथ नहीं लगाएंगे। कब लगा सकते हैं हाथ, जब 3,721 को जंप करेगा, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस है, डाउन ट्रेंड को उसको जंप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें मैं बाय कॉल नहीं दूंगा। अभी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तब इसमें बाय कॉल मैं दे सकता हूँ क्योंकि फार्मा है, लेकिन अभी अप ट्रेंड में है और इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिलेगा। ये फिर से सेल के साइड में आप काम करना चाहेंगे तो सेल के साइड में काम कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस 3,625 को तोड़ता है तो डायरेक्ट प्राइस नीचे आके एक नया लो बनाएगा। कहाँ तक आ सकता है बता देता हूँ आपको, ये लो सर 3,365 तक आ सकता है, 150 200 200 और 250 रुपये का आपको टारगेट मिल सकता है नीचे के साइड में। डीबी स्लैब हो गया, डिक्सॉन, डिक्सॉन तो आईटी में बहुत अच्छा कर रहा है, हाई पी में ट्रेड हो रहा है इसका, देखेंगे मजा आएगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, इसके हाथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं, इसलिए आईपीओ के बाद से ये कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। डिक्सॉन अगर देखेंगे वीकली कैंडल चार्ट में क्या बना है, सिंपल सा, यहाँ से प्राइस राइज होता जा रहा है, ये एक फॉलिंग वेज में ट्रेड हो रहा था, जैसे फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट करके गया है अभी, ठीक है। इसमें मैं बुलिश हूँ, प्राइस अगर 4,760 तोड़ता है तो पूरा लाइफ टाइम हाई में पहुँच सकता है और उसको तोड़कर भी हाई बना सकता है। यहाँ पर आप वीकली में देख सकते हो 60 का ब्रेकआउट दे चुका है, अगर ये कैंडल भी हाई में बनाया तो ये कंटिन्यू रैली दे सकता है। डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे वही दिखा रहा है, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करने वाला है, बाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे 4,076 का, बाय साइड में इसमें काम करेंगे। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे ट्रेंड में क्या दिखने के लिए मिल रहा है, सिंपल सा, यहाँ पर भी फॉलिंग वेज देखने के लिए मिल रहा है जो कि एक बाइंग सिग्नल है, तो यहाँ से सिंपल है क्या करेंगे, जैसे ही ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा और 4,515 को तोड़ेगा, नया हाई बनाएगा, कौन सा हाई बनाएगा बता देता हूँ आपको, बाई करना है इस हाई के लिए 4,677 के लिए, 200 रुपये का रैली दे सकता है, उसके बीच में आप कॉल ऑप्शंस लेके बाई करके निकल सकते हो। उसी तरह अगर सेल साइड में काम करना चाहते हैं तो सेल साइड में भी दे सकता है प्राइस, लेकिन मुझे नहीं लगता, प्राइस ऐसे ही 4,457 को तोड़ता है तो नीचे के साइड में आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर भी आप अराउंड 4,370 तक सेल कर सकते हो, लेकिन मैं सेल करने के लिए मना कर रहा हूँ। बाइंग साइड में अगर पोजीशन बनेगा
तब बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रेंड को तोड़ के ऊपर चला गया है। अभी आएंगे डीएलएफ के ऊपर, और 3 शेयर बाकी हैं, उसके बाद हमारे 15 शेयर खत्म होंगे, फिर बनाएंगे और एक वीडियो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरा। कमेंट डालिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। यहाँ पर भी फॉलिंग वेज बना है वीकली का, और ब्रेकआउट मिला है। अगर आप देख पा रहे हो, डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न के रेजिस्टेंस लेवल पे है सर, रॉकेट बनने के लिए शेयर रेडी है। क्या है, कैसे हम बाई करेंगे? यहाँ पे बाइंग पोजीशन तो दे चुका है, कल अगर पॉजिटिव देता है और एक हाई बनाता है तो कंटिन्यू रैली दे सकता है। आप कहाँ के लिए बाय कर सकते हो? 437 के लिए बाय कर सकते हो, यहाँ से 20 रुपीज़ ऊपर डे कैंडल चार्ट में। मुझे लग रहा है यहाँ से एक लाइफ टाइम हाई बना सकता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइफ टाइम हाई बना सकता है। कहाँ तक जा सकता है? पोजिशनल ट्रेड करते हो, स्टॉक्स लेके जाते हो घर को, तो रख लो 500 तक जा सकता है सर। 500 का टारगेट है डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में भी एक रेक्टेंगल बन रहा था, और इस रेक्टेंगल को ऊपर के साइड में तोड़ा है, तो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक नया हाई बनाएगा। तो मैं सर आपको बाय बताऊंगा, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में बाय कर रहे हैं तो वही 430 425 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टारगेट आप 440 के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये जो रैली मिला है, ये रैली एक नया हाई बनाने के लिए रेडी है। तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स ढूंढ रहे हैं तो डीएलएफ सबसे अच्छा है उस सेक्टर के टेक्निकली, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। इसके बाद आएंगे डॉक्टर रेड्डी, फार्मा शेयर। फार्मा शेयर्स मार्केट के ऑपोजिट भागते हैं, मार्केट अगर पॉजिटिव जाएगा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा मार्केट तो ये पॉजिटिव। डेली कैंडल चार्ट देखेंगे, एक पैटर्न बन रहा था, क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा था? एक राइजिंग वेज, डब्ल्यू पैटर्न का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, यहाँ पे तोड़ता तो ऊपर जाता। ये बहुत दिन पहले मैंने बनाया था, लगभग अक्टूबर 21 में, वहाँ पर डॉक्टर रेड्डी के मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो बताया पूछ रहे थे। फिलहाल नीचे अगर प्राइस देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन है उनका, अगर इसको तोड़ता है तो ऊपर के साइड जा सकता है। उसी तरह नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है। प्राइस में एंट्री आप 4619 के बाद कर सकते हो, 4620 का रखिए रेजिस्टेंस, उसको अगर तोड़ता है तो ऊपर जा सकता है। उसी तरह डेली कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे, वही बता रहा है, लेकिन डेली कैंडल चार्ट में थोड़ा बेयरिश लग रहा है। प्राइस क्यों सर? हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जैसे ये लो तोड़ेगा एक नया लो लगभग 3647 को तोड़ सकता है और नीचे जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कहेंगे। बाय साइड या सेल साइड? सेल साइड में ही थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बोला ना मार्केट अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ये सारे शेयर्स थोड़े नेगेटिव चले जाते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट अगर देखते हैं, ये हो गया सपोर्ट लाइन, ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे मिल रहा है एक पेनेट पैटर्न, ऊपर के साइड ये रेजिस्टेंस है। बाई साइड में काम करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि डाउन साइड में टारगेट है। अगर सेल करना चाहेंगे तो स्टॉक सेल करने के लिए रेडी है। जैसे ही 4145 तोड़ता है या फिर 4050 तोड़ता है, तो आवर्ली कैंडल चार्ट के हिसाब से आपको टारगेट बता रहा हूँ, 3798 3800 का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद फिर से रिट्रेस होगा और नया टारगेट 3674 तक आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो, अगर समझ में नहीं आ रहा है ये बताइए, मैं समझाने के लायक बनाऊंगा, क्योंकि ये जितना टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्लासेस लगाना शुरू कर दीजिए, इन सब के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। आईचल मोटर में क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इन्वर्टेड, राइट? यहाँ पे एक नया हाई बना चुका है, ऑलरेडी बना चुका है, और एक नया हाई बनाएगा। 3522 में ट्रेड हो रहा है, टेक्निकली बाय है वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर आपके पास स्टॉक है तो कहाँ पर एग्जिट हो गई, ये क्वेश्चन तो इसके साथ जुड़ा होगा सर। रेजिस्टेंस मिल रहा है 3950 का, 3950 में आप एग्जिट हो सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नीचे आएगा तो फिर से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो बाई साइड में ही रुकिए, एग्जिट मत होइए। यहाँ पर फिर से डेली कैंडल चार्ट में भी उसी तरह दिखाई दे रहा है, 15 मिनट का चार्ट जो है वो थोड़ा बेयरिश लग सकता है। क्यों? क्योंकि राइजिंग वेज या फिर कुछ पैटर्न बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा रैली के बाद प्राइस में
उतना तेजी नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस जा सकता है, और ये हो गया इसका सपोर्ट लेवल। राइजिंग वेज में है, प्राइस अगर सेल करना चाहते हैं, जैसे ही ये लो तोड़ता है, मतलब लगभग 3441, तो आप 3177 के लिए सेल कर सकते हो। लेकिन मैं सेलिंग साइड में अलाउ नहीं करूंगा, वेट कीजिए। प्राइस अगर नीचे आता है, रिट्रेसमेंट में बाई साइड में काम कीजिए, क्योंकि आप डेली कैंडल चार्ट या वीकली कैंडल चार्ट में बता चुका हूँ, ये अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को तोड़ा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 15 स्टॉक जो फ्यूचर में आने वाले समय में अप एंड डाउन साइड में, दोनों साइड में ओपन है। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो, कुछ स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉस आपको पता चल चुके हों, आपके पास अगर स्टॉक्स हैं तो उसको क्या करना है आपको समझ में आ रहा हो। अगर कहीं पे कुछ डाउट्स रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।